व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध को पहचानना है। ऑप्शन है दूध में कौन पड़ गया, नहीं ये नहीं होगा। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, नहीं नहीं होगा। वह स्वयं आएगा, वह स्वयं आएगा, वह स्वयं आएगा, ये शुद्ध है। और वाक्य और वाक्य के भेदों में पर प्रकाश डाली है, गलत है। और अगला क्वेश्चन है हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, यहाँ हनुमान जी के पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, धातु में जहाँ जहाँ बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें कहा जा रहा है कि उनके पूछ में आग न लग न पाई थी आग, उसके पहले लंका सारी जल के राख हो गए और निशाचर सभी भाग गए। इसमें बढ़ा चढ़ा के बात कहा गया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ताजमहल डैश दिया गया है, खाली स्थान है, का अद्भुत नमूना है, तो खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? चित्रकला है, शिल्प कला है, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है? स्थापत्य कला। ताजमहल क्या है? स्थापत्य कला है। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए, मतलब इसका विरुद्धार्थी मतलब विलोम पूछा गया है, बताना है। तो इसका कृपण का विरुद्धार्थी क्या होगा? तंग दिल होगा, कंजूस होगा, उधार होगा, उधार होगा। कृपण का उधार है, उधार होगा, उधार होगा। बहुत सही। और अगला क्वेश्चन विलोम से ही है, इसमें पूछा है उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए, अर्जित होगा, विसर्जित होगा, अनुपार्जित होगा, सृजित होगा। उपार्जित का कौन सा विलोम शब्द है? अर्जित, विसर्जित, अनुपार्जित, सृजित। सृजित नहीं, सृजित नहीं, अनुपार्जित होगा। उपार्जित अनलग के, अनुलग के उसका विलोम बनाया जाता है। चुनाव क्षेत्रों का पुनः खाली स्थान दिया गया है, किया जाना चाहिए, तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। परिगणन किया जाता है, किया जाना चाहिए, परिछालन किया जाना चाहिए, परिसीमन आएगा, परिसीमन होता है। चुनाव क्षेत्रों का क्या होता है? पुनः परिसीमन किया जाता है। और एक कहावत है, कहावत दिया गया है, इस कहावत का अर्थ बताना है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इसका अर्थ क्या होगा? कूदना होगा, दौड़ना होगा, प्रतिदिन कसरत करना, कड़ा परिश्रम करना। कड़ा परिश्रम करना सही है, कड़ा परिश्रम करना, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, मतलब क्या होगा? कड़ा परिश्रम करना। निम्न वाक्यों में से वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम और सीता वन को गई, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, उसने धीमी स्वर में बताया, उसने कुछ देर से उत्तर दी। युद्ध के कारण सब बर्बाद हो गए, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, यही शुद्ध है। राम और सीता वन को गई, वन को गए होना चाहिए था इसमें, वन को गई नहीं। और धीमे, उसने धीमे स्वर में बताया, उसने कुछ देर से उत्तर दिया, धीमे स्वर में होना चाहिए। हरि पद कमल कोमल से, इसमें अलंकार बताना है कौन सा अलंकार है? हरि पद कोमल कमल कमल से, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उपमा है, इसमें उपमा दी जा रही है, उपमा दी जा रही है ना, हरि भगवान के कमल चरण का चरण है, उसमें कमल की उपमा दी जा रही है, कमल जैसा कोमल है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार है। एसड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए, एसड़ा का समानार्थी शब्द ऑप्शन दिया, अभिलाषा, लोभ, प्यार, लालच। अभिलाषा का क्या क्या था? एसड़ा का समानार्थी अभिलाषा, अभिलाषा हो गया। एसड़ा का समानार्थी शब्द अभिलाषा होता है। घी खिचड़ी होना कहावत का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन दिया है स्वाद बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व मनाना, पौष्टिकता में वृद्धि होना, खूब घुल मिलना, घुल मिल जाना, घी खिचड़ी होना, इसका मतलब खूब घुलना मिलना। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथा, मेरी जीवन प्रवाह, चार सूरज के किरण, मेरी आत्म कहानी। अर्धकथा है, अर्धकथा।
पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा या अर्धकथा अर्धकथानक है। यह आत्मकथा सन 1641 ईस्वी में लिखी गई थी।